हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। आज हम इस वीडियो में आरबीआई ग्रेड बी के बारे में हम बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन आपका कब आ रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई असिस्टेंट का आपका आ चुका है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली, अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस तरीके से रहेगा, कितने फेज में आपका एग्जाम होगा, साथ ही साथ जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो कितने अटैम्प्ट तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई अटैम्प्ट बढ़ा है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, आपका प्रमोशन आपका किस पोस्ट तक आपका होगा, पहला प्रमोशन आपका किस पोस्ट में होगा और साथ ही साथ फाइनली आप किस पोस्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सैलरी की, तो अभी आप सभी को पता है कि बैंक में सैलरी जो है वो आपकी हाइक हुई है, जिसके कारण बेसिक जो है वो आपका बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि आपका बेसिक जो है वो आपका कितना बढ़ चुका है, ठीक है। इन 8 टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फटाफट से जितने भी स्टूडेंट जो आरबीआई ग्रेड बी और असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वो लाल वाले बटन को जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपने आरबीआई असिस्टेंट का पूरा वीडियो नहीं देखा हुआ है तो यार आपको राइट साइड में आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सी ढेर सारी जानकारी मिलेगी जो आपने अभी तक कहीं देखी नहीं होगी। साथ ही साथ 17 फरवरी से आपके जो आरबीआई असिस्टेंट के फॉर्म है वो आपके अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप ये मौका बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, 17 फरवरी से आप पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा, लेट मत करिएगा। अब हम बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताएं असिस्टेंट का आ चुका है, तो इसके बाद आप लगभग आप मान लीजिए कि ये जो आपका फ्राइडे आपका जो जा रहा है, ठीक है, इस फ्राइडे तक आपको हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट नोटिस वगैरह देखने को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आरबीआई जो है वो आपके एग्जाम डेट में आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है, तो लगभग आप मान लीजिए कि इस वीक में आपको हर हाल में देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी जो रिकॉर्ड डेट है वो आपकी 1 जनवरी 2022 से आपकी एज लिमिट जो है वो आपकी काउंट की जाएगी। बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो कोई भी चेंज नहीं किया गया। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850, एससी एसटी के लिए आपका 100 है और आरबीआई के जो स्टाफ असिस्टेंट वगैरह इनके लिए आपका नील फी रखी गई है। बात करें एग्जाम डेट की, तो आरबीआई हर साल आपका एग्जाम जो है वो आपका मार्च में, ठीक है, मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में आपका हर बार करा ही लेता है फेज वन का जो एग्जाम आपका है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आप सभी को पता है ये तीन पोस्ट में आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी निकलती है। आपका दो फेज में आपके एग्जाम होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि तीनों पोस्ट में आपके दो ही फेज में आपके अलग अलग एग्जाम्स आपके रहते हैं, ठीक है। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी की, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग ईयर में है, जिनका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, वो इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई साफ साफ कहता है कि आपके ग्रेजुएशन में हाल में 60% आपके, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 60% हर हाल में आपके होने ही होने चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी वगैरह, तो आपके 55% आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर जिन भी स्टूडेंट्स को जो जिनको सीजीपीए में मार्क्स मिलते हैं ग्रेजुएशन में, तो उनका कैलकुलेट करने का क्या क्राइटेरिया, 6.75 को 60% के रूप में माना जाएगा, 2.5 को 5.75 को 50% के रूप में आपका माना जाएगा, ठीक है। अगर आपके इससे ऊपर है, तो जो परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका है वो नोट 4 से आप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको फॉर्म में परसेंटेज ही बढ़ना है, सीजीपीए वहाँ पे बिल्कुल नहीं बढ़ना है। अगर आपने सीजीपीए भरा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जनरल कैटेगरी के लिए बात करें, तो आपके लिए टोटल 6 अटैम्प्ट भी हैं। अगर आप 6 से ऊपर हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ओबीसी एससी एसटी के लिए आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो भैया जितने भी कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस के दायरे में आते हैं, वो फटाफट से ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी को फॉर्म भरने को हर हाल में मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आरबीआई ग्रेड बी जनरल के लिए बात करें, तो इसमें ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर हम बात करें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, तो आपका 50% आपके मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी के जो ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर उसके 55% से मार्क्स ऊपर है जनरल ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया लगा के। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ठीक है। साथ ही साथ
अगर आपने सीए कंप्लीट कर लिया है, आपके मार्कशीट फाइनल आ चुके, तो वो भी आप तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या अगर आपने 3 साल का कहीं दूसरी जगह से आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपके ग्रेजुएशन 60% के ऊपर है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें ऑफिसर एंड DEPR, तो इसमें आपका मास्टर डिग्री आपकी चाहिए होती है, जो कि आपके इकोनॉमिक्स वगैरह में अगर आपकी होनी चाहिए, 55% आपके जनरल OBC और EWS के लिए होनी चाहिए, और SC और ST और आपका PWD के लिए सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स आपके होने चाहिए। ये आपको और भी चीज़ें दी गई हैं कि अगर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो बाकी और किसी भी सब्जेक्ट में है, तो आप एक बार देख लीजिए इन नोट्स को, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको दी गई है, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सिर्फ डिजायरेबल है। बात करें आपका ऑफिसर ग्रेड भी इन DSIM, तो इसमें आपको क्या होनी चाहिए, स्टेटिक्स या मैथमेटिकल में आपकी डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए। क्राइटेरिया मार्क्स का वही सेम है जैसा कि आपका पिछली पोस्ट का था, ठीक है। बाकी आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें आपका अलग अलग अगर आपने सब्जेक्ट से वगैरह किया हुआ है, तो इन पॉइंट्स को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, फिर उसे अकॉर्डिंगली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते तो आगे मैं बता दूं आपको सैलरी का, तो सैलरी जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में जो बैंक की सैलरी है, जितने भी बैंक्स हैं वो उनकी सैलरी जो है आपकी हाइक कर दी गई है, ठीक है। 5 साल बाद अभी ऐसा हुआ है, जिसके कारण से उनका जो बेसिक है वो बढ़ चुका है। यहाँ पे अभी पिछले साल का नोटिफिकेशन में बेसिक था 35,150 रुपये, अब इस साल की बात करें तो इस साल बेसिक जो आपका हो गया होगा लगभग 43,000 के आसपास जो बेसिक है वो आपका बढ़ के आपका बेसिक जो है वो आपका हो गया होगा। तो RBI की सैलरी स्लिप की वीडियो मैं अभी इस चैनल पे मैं डालूंगा, तो फटाफट से स्टूडेंट सब्सक्राइब आप जरूर करें चैनल को। साथ ही साथ आपको बाकी और भी आपको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, जिसके कारण से आपकी जो इनकम होती है, यहाँ पे आपकी 83 है, लेकिन इस बार जो बढ़ के आपकी आई है लगभग 1,15,000 के आसपास, जो आपकी मंथली इनकम है वो आपको 1,15,000 के आसपास आ जाती है। अभी हम बात करेंगे प्रमोशन के बारे में, तो प्रमोशन के बारे में अगर हम बात करें कि कोई भी अगर अलग रिक्रूटमेंट वगैरह से आता है, तो लगभग आप ये मान लीजिए कि एक तरीके से वो हायर लेवल पे एक तरीके से आपका प्रमोट जो है वो आपका हो जाता है। लगभग जो पहला प्रमोशन होता है वो 4 साल में आपका प्रमोशन जो है वो पहला होता है। प्रमोशन का मैं वीडियो एक बार अलग से मैं आपके लिए ले आऊँगा, तो स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम चलते हैं एकोमोडेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको एकोमोडेशन आपको बहुत ढेर सारे दिए जाते हैं, इवन RBI असिस्टेंट से ज़्यादा आपको यहाँ पे एकोमोडेशन जो है आपको ग्रेड बी में आपको दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया कि आपका जो भी व्हीकल वगैरह का जो रिमबर्स होता है वो आपको हो जाता है, न्यूज़पेपर टेलीफोन चार्जेस बुक ग्रांट के लिए आपको दिया जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस का OPD वगैरह के लिए। असिस्टेंट में सिर्फ आपको मेडिकल एक्सपेंसेस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे OPD ट्रीटमेंट वगैरह हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की भी आपको जो क्लेम है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको फ्री फेस्टिवल एडवांस भी आपको दिया जाता है, ठीक है। लीव फेयर कंसेशन भी आपको दिया जाता है, 2 साल में एक बार आपको दिया जाता है, मतलब आपके बीबी और मतलब आपके बीवी बच्चे या कोई भी डिपेंडेंट पे अगर आपके हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो MPS वगैरह का भी इसमें पूरा जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है वैसा ही रहता है। पर्सनल कंप्यूटर वगैरह का भी आप दिया जाता है, जो आपको कंज्यूमर्स आर्टिकल होते हैं उनमें भी आपका अलग से दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि कुछ जगह पे आपके लिमिटेड क्वार्टर्स जो है वो आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो बाहर अगर आप लीज वगैरह पे लेते हो तो उसका भी पूरा जो रेंट होता है वो बैंक पूरा बियर करती है, ठीक है। बाकी आपका क्या रहता है कि पहला अपार्टमेंट जो होता है वो 2 साल का प्रोविजन का पीरियड रहता है, ठीक है। इसके बाद बैंक डिसीजन बाद जो आपका प्रोविजन जो है वो आपका 4 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, अगर बैंक को कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी इसके बाद प्रमोशन के लिए आपके अलग अलग प्रोस्पेक्ट आपके दिए गए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं भी हो सकती है, लेकिन अभी तक का जो प्रैक्टिकल है वो रहा है कि जितने भी लोग रिटायर हुए हैं वो उनकी पोस्टिंग मुंबई जरूर हुई है, मतलब ये लिखा कहीं नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अगर आपका किसी का भी रिटायरमेंट हुआ है तो एक बार मुंबई वो जाके जरूर आया होगा, ठीक है। मतलब एक प्रैक्टिकल तौर पे ये कहा गया, जितने भी लोग जो RBI में वही ये बात कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप RBI की तैयारी कर रहे हैं। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।